हेलो एवरीवन, जैसा आप लोगों ने न्यूज सुन लिया होगा कि गर्ल्स के लिए नवंबर से ही एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है और आज से फॉर्म ओपनिंग हो गई है। आप अगर ध्यान दें तो इम्पीटस गुरुकुल ने जब से डिफेंस को स्टार्ट किया है, मैंने कुछ बच्चों के, जैसे आपने जहां तक है ऐश्वर्या का या आकृति का इंटरव्यू सुना होगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ या एनडीए का जब भी सेशन, कि अभी गर्ल्स की एंट्री नहीं है पर बहुत जल्दी होगी, आप देखिएगा। और वो आज दिन आ गया, तो यानी आप पुराने कोई भी जब इम्पीटस गुरुकुल का डिफेंस का वीडियो देखोगे तो ये बात मैंने बोली थी और मुझे ऐसा लगता भी था और ये आपके लिए मौका आ गया। यानी अभी तक गर्ल्स के पास ऑप्शन केवल ग्रेजुएशन में जाके होते थे, उनके पास ट्वेल्थ के बाद ऑप्शन नहीं थे। तो ये हर गर्ल्स के लिए जो डिफेंस में जाने की इच्छुक है उनके लिए एक अच्छा मौका है। ऑब्वियसली कई चीजें अभी भी कंफ्यूजन वाली हो सकती हैं कि सर सीट्स क्या होंगी, ये क्या होगा, पर वो सब छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम आप सबको देना है, यानी अब आप एनडीए एनए का एग्जाम देंगे और 14 नवंबर वाला देंगे। तो सभी गर्ल्स को मैं बोलूंगा कि इस न्यूज के लिए आप सबको बधाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी के लिए एक अच्छी न्यूज है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि डिफेंस में गर्ल्स की एंट्री नहीं थी, पर वो सीडीएस के थ्रू ही थी, तो अब एनडीए के थ्रू भी हमें एंट्री मिलेगी, या पहले ग्रेजुएशन के थ्रू ही मिलती थी, एनसीसी के थ्रू मिलती थी, पर ग्रेजुएट कैंडिडेट को मिलती थी, अब ट्वेल्थ कैंडिडेट को भी मिलेगी। तो वो सभी गर्ल्स जो कि अब भी अपना कैरियर डिफेंस में बनाना चाहती, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली टाइम कम है क्योंकि नवंबर में एग्जाम होना है, उसके हिसाब से टाइम कम है। बट ये न्यूज तो थोड़ा पहले भी आ गई थी, अभी पहले ये भी कंफ्यूजन था कि एनडीए नेक्स्ट ईयर के मई से जो होगा नेक्स्ट ईयर वाला, वहां से एलिजिबिलिटी होगी, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और फाइनली एनडीए ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, वो गर्ल्स इस बार से बैठ सकती हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आप सब डिफेंस चैनल से जुड़े हुए हैं इम्पीटस गुरुकुल के, तो अब आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, गर्ल्स को बोलूंगा, बॉयज तो ऑलरेडी जुड़े हैं, कि अब आपको पढ़ाई करनी है। बस अगर आप 11, 12 साइंस सब्जेक्ट वाले हैं या इवन कॉमर्स आर्ट्स वाले हैं तो भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ये अलग बात है कि केवल आप एनडीए में, अगर गर्ल्स के लिए बात करूं तो अभी जो हम आर्मी की बात करते हैं तो उसमें बीए बीकॉम वाले भी चलते हैं, तो अभी ये सब क्लियरिटी आ जाएगी, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब आप लोग सब एक चीज याद रखिए, क्या करना है आपको। नंबर वन, फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के ऑफिशियल गूगल पे जाके यूपीएससी जैसे ही सर्च करेंगे तो मेन पेज, और याद रखिएगा आप सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से देखिएगा, upsc.gov.in पे जाइए। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये मेन पेज खुलेगा, यहां पर आप देखेंगे कि येलो कलर से लाइन चलती हुई आ रही होगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2021 शेड्यूल ऑन 14th नवंबर ओनली फॉर वुमेन्स। ये जो ओनली फॉर वुमेन्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्म ओपन हुए हैं तो इसमें एक इन्होंने वो भी दिया है, वार्निंग भी दी है कि केवल वुमेन्स ही अप्लाई करें। तो कई बच्चे जिन्होंने बाई चांस निम्स एनडीए का फॉर्म नहीं भरा था, वो गलती से अप्लाई ना कर दे, नहीं तो उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा और 10 साल तक वो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का बॉयज स्पेशली ध्यान रखें कि ये जो एंट्री ओपन हुई है ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स को ही करना। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक और पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी नेकल एकेडमी ओनली फॉर वुमेन्स, बार बार ये वर्ड लिखा है, क्लिक हेयर अप्लाई फॉर। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई के लिए ऑप्शन मिलेगा, यहां पर सारी चीजें दी हैं कि कब से नोटिस की, आज 24 को ही आया हुआ है, लास्ट डेट है 8/10/21 यानी 8 अक्टूबर को इवनिंग 6 o'clock तक भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले पार्ट वन पार्ट टू के पहले रूल्स मैं आपको कहूंगा एक बार अच्छे से गो थ्रू दे, कि कोई भी जब हम फॉर्म भरते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज देखना चाहिए अच्छे से उसके बाद, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं पर मिस्टेक होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आप सभी गर्ल्स को बोलूंगा कि पहले एक बार पूरे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लीजिए एंड सारी एलिजिबिलिटी देखने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करिए। और फॉर्म फिल करना ही या केवल काम नहीं है, पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई कैसी करनी है, मैंने डिफेंस चैनल में सब बताया हुआ है और अभी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई तो आप वो क्लास को वॉच करें। अब आती है बात कि सिलेबस, तो सिलेबस आप सबको पता है, अब आप अगर 11 12th में तो ऑलरेडी मैथ्स और साइंस तो पढ़ रहे होते हैं, पर गर्ल्स कैंडिडेट नॉर्मली जीएस के टच में नहीं होती, तो अब आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी ये पॉलिटी ये सब भी देखना होगा, तो वो एक स्टेप हो गई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पर ये अच्छा मौका है कि आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं और आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही फाइट कर सकते हैं जैसे बॉयज कर सकते हैं। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल गर्ल्स, अपना करियर बनाएं, डिफेंस में जाना अपने आप में गर्व की बात होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर आपकी इच्छा है
डेफिनेटली लाइफ टफ होती है, पर डिसिप्लिन भी होती है और अपॉर्चुनिटी भी होती है, और हमारे पास बहुत कुछ करने का मौका होता है। तो इसके लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। पहले एक बार आप पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली पढ़िए, फिर फॉर्म भरिए। ऑल द बेस्ट वंस अगेंस्ट। और रेगुलर जो मेरी डिफेंस की क्लासेस हो रही हैं, उनको आप रेगुलर देखिए। सारे जीएस की भी क्लासेस होती हैं, मैथ्स की भी होती हैं, तो इनको आप देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट वंस अगेंस्ट। जय हिंद, जय भारत।